पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस की साख राजस्थान में सबसे ज्यादा दांव पर है। विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल आने से पहले माना जा रहा था कि अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं फिर से बीजेपी का खेल खराब कर सकती हैं। एक्सपर्ट अंदाजा लगा रहे थे कि गहलोत सरकार की योजनाएं गेम चेंजर साबित हो सकती हैं, लेकिन जब एग्जिट पोल सामने आए तो उसने सबको चौंका दिया। कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी थी कि गहलोत सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम, चिरंजीवी मुफ्त बीमा योजना, 100 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन, 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसी योजनाएं उसे सत्ता वापसी कराएगी, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद गुरुवार 30 नवंबर को एग्जिट पोल जारी हुए। राजस्थान को लेकर जारी 8 प्रमुख न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस और सर्वे एजेंसियों में से 5 ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान लगाया है। राजस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं। एक सीट पर प्रत्याशी के निधन के बाद चुनाव स्थगित हुआ और वोटिंग 199 सीटों पर हुई, और इन 199 सीटों को लेकर इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक भाजपा को 80 से 100 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 86 से 106 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य के खाते में 8 से 16 सीटें जा सकती हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के मुताबिक भाजपा को 108 से 128 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 56 से 72 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 13 से 21 सीटें मिल सकती हैं। एबीपीसी वोटर के मुताबिक भाजपा को 94 से 114 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 71 से 91 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के मुताबिक भाजपा को 77 से 101 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 89 से 113 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 2 से 16 सीटें जा सकती हैं। टीवी 9 पोल स्टेट के मुताबिक भाजपा को 100 से 110 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में 5 से 15 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा इंडिया टीवी सीएनएक्स के मुताबिक भाजपा को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 94 से 104 और अन्य के खाते में 14 से 18 सीटें जा सकती हैं। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के मुताबिक भाजपा को 115 से 130 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 56 से 72 और अन्य के खाते में 12 से 19 सीटें जा सकती हैं। और इसके अलावा दैनिक भास्कर के मुताबिक भाजपा को 98 से 105 और कांग्रेस को 85 से 95 और अन्य के खाते में 9 से 19 सीटें जा सकती हैं। वहीं अनुमानों का पोला पोल्स देखा जाए तो राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। पोला पोल्स के मुताबिक बीजेपी को करीब 104 और कांग्रेस को 85 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि ये तो अभी अनुमान है, फाइनल नतीजे 4 राज्यों के साथ 3 दिसंबर को आएंगे। ऐसी पॉलिटिकल खबरों के लिए देखिए india.com।